हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं ओप्पो की बैक बटन के बारे में, जिसमें कि आप लोग को ऐसा ऐसे एडवांस फीचर देखने को मिल जाता है जो कि शायद ही आप लोग को पता होगा, क्योंकि मुझे भी पहले ये पता नहीं था। बट मैं आप लोग को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग जो ओप्पो की बैक बटन यहाँ पे बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तक आप लोग ने सोचा होगा कि अरे बैक बटन सिर्फ बैक पे काम होता है, बट मैं आप लोग को ऐसी ट्रिक बताने वाला जिससे कि बैक बटन यहाँ पे पूरे आप लोग के जो यहाँ पे आप लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो किस टाइप की ट्रिक मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो रिटकी बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बगल में बेल आइकन दबाना भूले। इंडिया वीडियो पसंद है तो लाइक करना भूले और शेयर करना भी ना भूले। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले आप लोग को जो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना जिसका नाम है बैक बटन एनीवेयर। किस टाइप से डाउनलोड करेंगे मैं आप लोग को लास्ट टाइम बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोग की सेटिंग के बारे में बता दूं। तो जैसे आप लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आप लोग के यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी से यहाँ पे परमिशन दे देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो ऑफ रहेगा इस ऑप्शन को यहाँ पे अनेबल कर देना है। ओके फ्रेंड, तो जैसे आप लोग इसे अनेबल करेंगे तो आप लोग यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक टॉगल आ चुका है जो कि बैक बटन के यहाँ पे काम करेगा, और बैक बटन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हमारे काम आसान जो यहाँ पे करेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिंगल प्रेस एक्शन। सिंगल प्रेस एक्शन मतलब आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि रख दिया यहाँ पे लॉन्च कैमरा, मतलब जैसे मैं एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है कैमरा आ जाएगा मेरा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग प्रेस एक्शन, इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे अगर फ़ोन को, तो आप लोग यहाँ पे लॉन्च अदर एप्लीकेशन में जाइएगा और यहाँ से मैं कोई भी एप्लीकेशन चूज़ कर लिया, जैसे कि मैं यहाँ पे जो फाइल यहाँ पे चूज़ कर लिया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं कोई भी एप्लीकेशन को चूज़ कर लूँगा, जैसे मैं अदर एप्लीकेशन में गया और यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर के यहाँ पे चूज़ कर लिया। जैसे मैं आपको बता दूँ जैसे इस टाइप का मैंने फाइल मैनेजर को चूज़ कर लिया। उसके बाद आप लोग का करना है थर्ड वाला ऑप्शन है अनेबल डबल प्रेस, इसको आप लोग अनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ वाला ऑप्शन हमें डबल प्रेस एक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ऑन होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन यहाँ पे कर दिया, अगर आप लोग यहाँ पे जो कुछ रखना चाहते हैं अपने हिसाब से तो यहाँ पे वो भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टॉगल का साइज आप लोग को दिखाएगा, तो आप लोग यहाँ पे टॉगल का कोई किसी भी टाइप का यहाँ पे साइज रख सकते हैं, कलर रख सकते हैं, बटन कलर रख सकते हैं और वाइब्रेट ऑन टच अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग की सेटिंग जो है फिर से नई की नई जैसी हो जाएगी। अब बात करें इसका बहुत अच्छा फीचर जो कि है थीम के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे टॉगल की थीम मिल जाए जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से टॉगल की थीम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, मैं जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे बैक करूँगा, ठीक है ना। जैसे मैं इस पर एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा फाइल मैनेजर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जैसे मैं दिखा दूँ आप लोग को, जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। जो भी आप लोगों ने जो सेटअप किया है वो सब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग सोच सकते हैं यार हमारी बैक बटन से भी यहाँ पे कितने यहाँ पे काम हो सकते हैं। आप लोग ने जो जो यहाँ पे सेट किया होगा सब लोग सब आप क्लिक किया अपने जो है एप्लीकेशन और फीचर यहाँ पे आ जाएंगे बैक बटन आप लोग को प्रेस करने के बाद। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करना दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो कमेंट करना बोले मैं वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।